हाँ तो भाई लोग कैसे हो सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फिलहाल आज आप लोगों को थोड़ा सा कानपुर का दर्शन कराएंगे मेट्रो से। अब आज कानपुर मेट्रो घुमाते हैं, दिखाते हैं कैसी है। फिलहाल ये है मोती झील, बिल्कुल जस्ट मोती झील गेट के बगल में ये बना अपना मोती झील का मेट्रो स्टेशन, कुछ ऐसा है बाहर से। फिलहाल तो ट्रेन अपनी ट्रेन कहता हूँ यार, वही आदत पड़ी हुई है, क्या नाम इसका, मेट्रो अपनी यहीं तक चलती है IIT से मोती झील तक। चलो आगे आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। उस तरफ से चढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके उधर उस तरफ साइड पे लिफ्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जीने भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप चढ़ के आ सकते हैं। और इधर वालों के लिए ये रही एंट्रेंस, मतलब जैसे ही आप मोती झील से बाहर निकलोगे सबसे बेस्ट अपना ये ई बस गाइस, इसमें भी कभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए, पीछे आपको पूरा स्वरूप नगर का एरिया मिल जाएगा, उधर सामने ये जो जगह है पूरा स्वरूप नगर है। आगे की तरफ निकल जाओगे, अगर आप उधर निकल जाओगे तो आप पहुंचोगे बड़े चौराहा परेड माल रोड फूलबाग की ओर, ये दर्ड स्क्वायर है। और इधर अपना गोल चौराहा कल्याणपुर की तरफ, रामा देवी की तरफ आगे इधर से आप जा सकते हो। चलिए फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको टिकट वगैरह कहाँ से मिलती है, कैसा क्या है। मेट्रो फिलहाल अभी अपनी यहीं तक आती है IIT से मोती झील तक, क्योंकि आगे अभी तक काम चल रहा है, जब काम कंप्लीट होगा तब आगे चली जाएगी। बाहर से आप जैसे अंदर आओगे लेफ्ट साइड में आपको एस्केलेटर और सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और ठीक सामने आपको ये लिफ्ट जो है वो मिल जाएगी। चलिए आप लोग एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं, एस्केलेटर। कुछ इस तरीके से है अपना मोती झील का मेट्रो स्टेशन। आप लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एस्केलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग जैसे ऊपर आएंगे ठीक आपके राइट साइड में ये टिकट मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। एक कल्याणपुर भी दे देना, ऐसी कुछ आपको टिकट मिलती है, कार्ड भी मिलता है पर आपको बनवाना पड़ेगा। वहाँ से टिकट लीजिए और फिर इस तरफ आइए, आप पूरा चेकिंग वेकिंग कराइए, फिर दिखाते हैं आपको अंदर।
जैसे मैंने अल्ट्रा वाइट सा किया है तो आप लोग बताइए, लेफ्ट साइड में नहीं वाइट वाइट सा आप लोग कुछ दिख रहा होगा धब्बा जैसा, वो क्यों आया जाता है कैमरे पे? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सही, ये देखिए ऊपर फिर कहीं नीचे हो जाता है, कभी कैसे हो रहा है, लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिएगा आप लोग, बताइएगा ये क्यों होता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे इसको ठीक किया जाए, आप लोग बताना ज़रूर। फिलहाल गीता नगर आ चुका है अपना थर्ड हॉल्ट इस ट्रेन का, मोती झील से निकलने के बाद कुल्यासिन से ऐसा कुछ है अपना, दिखाते हैं आपको गीता नगर अगर दिखा सकें स्टेशन कुछ ऐसा है बाहर से दिखने में भी। अंदर धूप है तो मैं इधर ही बैठा हूँ, फिलहाल कोई नहीं है, अपना कोच तो पूरा खाली पड़ा हुआ है गाइस। तो बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा यहाँ पर मेरी मेट्रो, और भी कुछ दिखाना हो तो कमेंट करें जरूर बताइएगा, आप लोगों को वो भी दिखाइए कानपुर में। फिलहाल अभी मेट्रो इंजॉय करिए बताइएगा, और हाँ जर्नी ट्रेन जर्नी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत अच्छी ट्रेन में काफ़ी दूर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, कुछ ही दिनों में आएगी। फिलहाल इसके बाद पहले ये आएगा, फिर आपके लिए एक और जर्नी आएगी ट्रेन जर्नी, फिर उसके बाद ट्रेन जर्नी करेंगे पर अभी नहीं, तब तक मैं जब तक कानपुर में मेरा घर ही यहीं पे है, मैं फिलहाल अभी पढ़ाई की चक्कर में जा नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग बताइएगा जरूर कहाँ आपको कानपुर देखना है कि नहीं देखना है, कुछ एरियाज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या देखना है क्या नहीं। चलिए अभी फिलहाल मेट्रो देखिए, ये अपनी जर्नी का चौथा हॉल्ट गुरुदेव चौराहा, यहाँ से आप नवाबगंज के लिए जा सकते हो, उतर के टेम्पो पकड़ के नवाबगंज चिड़ियाघर और शुक्लागंज के लिए भी जा सकते हो। ओके एक और मेट्रो आ चुकी है अपने, तो आप लोगों ने सुन लिया होगा मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए आप लोगों को सॉकेट्स भी दिए गए हैं। मस्त है भाई अपना पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी अपन पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी CSGM छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। कानपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं गाइस अपन, खोल या सेम सेम देखा, खाली स्टेशन है कोई भी नहीं है ट्रेन में, आप देख लो पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ। अभी बात ये है ना कि ट्रेन आपको बताता हूँ, आपको बताते हैं कि अभी फिलहाल मेट्रो में कानपुर में क्यों नहीं लोग चढ़ते हैं, बात ये है क्योंकि अभी ट्रेन केवल IIT से मोती झील तक ही चलती है, तो लोगों को थोड़ा सा किराया इसका ज़्यादा लगता है। अगर आप टेम्पो से जाओगे कल्याणपुर से मोती झील तो आपको 20 रुपये पड़ेगा, ये 30 रुपये लगता है, बस से जाओगे 15 रुपये पड़ेगा आपको, प्राइवेट बस की बात कर रहा हूँ, वैसे रोडवेज जो होती है अपनी सिटी बस उसमें आपको 19 रुपये किराया पड़ता है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा भी चलते हैं। जहाँ भी ये ट्रेन पूरा चालू हो जाएगा रूट अपना क्या नाम बड़ा चुरा परेड फूल बाग मालरोड के लिए, तब ये ट्रेन बढ़ के चला करेंगी सारी मेट्रो ट्रेन, तब मेट्रो को फ़ायदा भी होगा। अभी सेंट्रल में भी मेट्रो नहीं गई हुई है, जब कानपुर सेंट्रल के लिए भी मेट्रो चलेगी तब आपको फ़ायदा होगा कि कैसा क्या है। फिलहाल अभी अपन पहुँच रहे हैं कहाँ 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 SPM हॉस्पिटल, जी हाँ SPM हॉस्पिटल यानी कि बगिया क्रॉसिंग, बगिया के नाम से प्रसिद्ध है जगह पर, लेकिन मेट्रो स्टेशन का नाम है SPM हॉस्पिटल।
समय आप लोग देख लो। प्रॉपर अनाउंसमेंट होती रहती है। SPM हॉस्पिटल का इस अपन पहुंच चुके हैं। SPM हॉस्पिटल अगला अपना स्टेशन आने वाला है। हाँ, आप लोग से पूछ लूँ वीडियो आप लोग कैसे लिए, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाऊं या फिर नहीं। पूरा कमेंट करके बताइएगा जरूर किस में आपको अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो बताइए, नहीं देखनी तो भी बताइए, कैसी बनी है वो भी बताइएगा। फिलहाल अभी अपन अपने स्टेशन यानी कल्याणपुर पहुँच रहे हैं। कानपुर का सबसे बेस्ट इलाका है कल्याणपुर। क्यों पता, आप लोग कानपुर के रहने वाले लोग जानते होंगे। वैसे सारे एरिया अच्छे हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने को कल्याणपुर ज़्यादा अच्छा क्योंकि अपन भी कल्याणपुर में ही रहता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से स्टेशन अराइवल पे और फिर आपको कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं और फिर उतरते हैं। चलिए ये देख लीजिए, कुछ रेलवे लाइन भी आपको साथ में अपने चलते हुए मिल जाएगी। वो रहा कल्याणपुर का स्टेशन, अभी अपन उसी पे चलने वाले हैं। कल्याणपुर अभी होगा खुल, अभी नहीं खुल जा सेम से। हम चलिए ट्रेन को करते हैं अपनी बाय बाय। एक तो चली गई, अब अपनी इस वाली ट्रेन को भी करते हैं बाय बाय। अब ये चली जाएगी सीधा आपके IIT के लिए। आगे पड़ता है बस आखिरी स्टेशन और है इसका IIT, उसके बाद ट्रेन फिर वापस होगी यहाँ। ये ऐसा कुछ अपना कल्याणपुर का मेट्रो स्टेशन। चलते हैं नीचे, एस्केलेटर आपको मिल जाएगा एक ही तरफ मिलेगा, या तो उधर या तो इधर, किधर भी आप लोगों को। ओ ओ ओ सॉरी मैं देखना ही भूल गया। फिलहाल ये एस्केलेटर बंद चला, मैंने कत्ता ही ध्यान नहीं, मेरा ध्यान उस तरफ था तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाया कि ये बंद चल रहा है। चलिए बंद है, अपन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके चलते हैं नीचे। आप लोग सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट चल रही है, वो उस तरफ है लिफ्ट, आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। चलिए मिलते हैं बाहर। अगर आप लास्ट में बैठे हो तो आप लोग इधर से उतर के फिर सीधा इधर लेफ्ट ले ली, राइट ले तुरंत आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो उधर से आ रहे हैं तब आपको सीधा सामने की तरफ आपको खोलने के लिए सिस्टम मिल जाएगा। टिकट आप अपने संभाल के रखिएगा, आप लोग पहले बता दूँ, बहुत ही ज़रूरी है। टिकट काउंटर आपको कल्याणपुर का यहाँ मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से अपने टिकट वगैरह ले सकते हैं। एक एरिया उधर से आपको मिल जाएगा क्योंकि उस तरफ आपको एस्केलेटर मिल जाएगा चढ़ने के लिए, और जिनको इस तरफ उतरना है वो इधर सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेशन की अपनी खास बात एक लगती बताता हूँ, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को टिकट वगैरह मिल जाएंगी। जस्ट सीढ़ी से आएंगे आप, आपको ये भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी वगैरह के लिए पुलिस वगैरह भी है, ऐसी बात नहीं है। लिफ्ट आपको उसी तरफ मिलेगी क्योंकि जर इधर साइड जगह नहीं होती, जिधर जगह होती उधर ही मिलता है। ये एरिया गैलरी एरिया कल्याणपुर का मस्त, यहाँ पे आप खड़े होके बढ़िया से नज़ारे का एंजॉय कर सकते हो इस टाइप से गाइस। कुछ ऐसा फील होता है गाइस यहाँ से, मस्त दोनों तरफ रोड चल रही हैं, इधर भी उधर भी, और अपना मजे करो। चलो फिलहाल चलते हैं नीचे, अपने को पार चलना है उसके। अभी आप लोगों को एक बात और बताता हूँ गाइस, पहले उतरते हैं। कुछ ऐसा दिखता है गाइस अपना कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन बाहर से, देख लो आप लोग भी। और सामने आप अगर यहाँ उतर के जाएंगे तो आपको बिठूर के लिए ऑटो और टेम्पो बसेस वगैरह मिल जाएंगी। बिठूर यानी गंगा जी नहाने जो लोग जाते हैं वो लोग यहीं पे आते हैं, उधर के आप लोग जा सकते हो। और क्या बोलते हैं उसको, नाना राव पार्क, जहाँ पे हमारी वीर झांसी की रानी जो थी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी, वो भी उनका ननिहाल यहाँ पे। तो आप लोग उसको अगर देखना चाहते हो कि किस तरीके से कहाँ पे क्या था, तो आप लोग यहीं पे उतर के ऑटो पकड़ के बिठूर की तरफ जाना होगा। चलिए अपन चलते हैं स्टेशन के पार, अपने को वहाँ जाना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर,
वीडियो कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके, ऐसी वीडियो आती रहेगी तब तक के लिए। गाइज एक चीज़ तो कहना ही भूल गया था, क्या बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। उधर से फांद के अपन आ गया स्टेशन, यहाँ से अपन निकल जाएंगे घर। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।